हम लोग अयोध्या में हैं और अयोध्या जो राम की जन्म की भी गवाह है और राम के वनवास गमन की भी, लेकिन आज ये अयोध्या चीख चीख कर पूछती है कि क्या राम जी का वो दूसरा वनवास खत्म हो जाएगा। इस वक्त अगर आपको मेरे आगे पीछे आवाजें आ रही होंगी तो ये ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं ये छोटी दिवाली का वो बड़ा कार्यक्रम है जिसमें अयोध्या को भव्य दिखाने की तैयारी हो रही है। शोभा यात्रा निकल रही है, इसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद आज इस नगरी में रहेंगे, एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तोहफा दे सकते हैं अयोध्या नगरी को। लेकिन अयोध्या नगर के वासियों को सिर्फ एक तोहफा चाहिए, वो ये बता दे सरकार के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब होगा। लेकिन क्या अयोध्या में दीप दान से हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण, इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आज इस डिबेट में रोहित चहल बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसके साथ साथ विजय शंकर तिवारी साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। चक्रपाणी साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। रशीदी साहब जुड़े हुए हैं, मौलाना साहब हमारे साथ बने रहेंगे इस डिबेट में। संतोष दुबे जी हमारे साथ आज अयोध्या से जुड़े हुए हैं, कार सेवक हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और करपात्री महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ राजकुमार दास संत महोदय भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्योंकि मैं अयोध्या की नगरी पे हूँ, क्योंकि मैं आज संतों की नगरी में हूँ, क्योंकि मैं आज उस नगरी में हूँ जहाँ से राम की बात होती है और राम की बात पर ही यहाँ की आस्था, यहाँ के लोगों की जो सांस है वो खत्म होती है। करपात्री महाराज जी, क्या दीप दान से राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण का सपना पूरा हो जाएगा? आज छोटी दिवाली है, अयोध्या में आज दीप दान मनाया जा रहा है और यह दीप दान राम के राज्याभिषेक का उत्सव माना जाता है। लेकिन राम जी का राज्याभिषेक उत्सव तो तभी असली होगा जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण तो हो नहीं रहा है, केवल हम लोगों को ये भाजपा की सरकार ये उत्सव मना करके सारे विकास कार्यों से उन्मुख कर रहा है। हम संविधान का सम्मान करते हैं लेकिन वो समविधान होना चाहिए, यहाँ तो विषम विधान हो रहा है। यहाँ जो विधान है वो विषम विधान है। हमारे लिए 3 मिनट का समय भी जो है हाई सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास नहीं है। पुरुष पुरुष के लिए पूरा संविधान है, नारी दूसरे पुरुष जहाँ पूरा संविधान है, ये ऐसा लोग कर रहे हैं। इस तरह ये करपात्री बोल रहा है कि हम संविधान का सम्मान करते हैं लेकिन संविधान राम से ऊपर नहीं है। राम तो क्या करपात्री जी आप ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि आज जो दीप दान का तैयारी है, आप जो बड़ी छोटी दिवाली के दिन बड़ी दिवाली दिखाएंगे देश और दुनिया को, और आज सोचिए आज तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो दिए जलेंगे अंतरिक्ष से आज अयोध्या दिखेगी। आप सोचिए, आप ये कह रहे हैं कि वो दीप दान का महोत्सव ये सब कुछ बेमानी सा है, ये सब कुछ आपका धैर्य तोड़ रहा है, ये सब कुछ आपको झूठा लगता है, गुमराह करने वाला लगता है। यह विश्व रिकॉर्ड हम कायम कर रहे हैं क्योंकि वशिष्ठ की भूमिका में परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अयोध्या को एक संत मिला हुआ है, इसलिए संत की परिपाटी को पालन कर रहे हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं, अयोध्या में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि राम के जन्मभूमि ही सर्वोपरि है। वास्तव में दीप दान जो है राम के जन्मभूमि से सर्वोपरि नहीं हो सकता है क्योंकि हम अयोध्या के वासी। ठीक है, करपात्री जी का जवाब मिल गया होगा मुझे। मुझे लगता है मुझे चक्रपाणी जी के पास जाना चाहिए। चक्रपाणी जी आवाज आ रही है? करपात्री जी सीधे सीधे तो नहीं कह रहे लेकिन इनडायरेक्टली जो बातों का मतलब निकलता है प्रत्यक्ष रूप से, तो मैं इसे यही समझ सकती हूँ कि चाहे आप दीप दान कर लें लेकिन दीप दान तो सर्वोपरि नहीं ना, राम मंदिर सर्वोपरि है। देखिए, इस बात को ये समझना जरूरी होगा, करपात्री जी ने जो बातें रखी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, इसमें दो राय नहीं है कि भगवान श्री राम का विश्व का सबसे बड़े प्रतिमा बिल्कुल बन जाए और उसका हर हिंदू और हर संत स्वागत करता है, लेकिन वहीं बगल में भगवान श्री राम लला जो मूल जन्म स्थान है वहाँ वो टेंट में पड़े रहें तो आखिर कैसा लगेगा? तो निश्चित रूप से हमें लगता है ये न्याय सम्मत तभी होगा, भगवान श्री राम के प्रति आस्था तभी होगा जब राम लला पे भव्य विशाल मंदिर के लिए कानून बन जाए, देश ला जाए। और हमें तो ऐसा लगता है कि योगी जी ने जो घोषणा किया है कि दीपावली के दिन या जो घोषणा करने वाले हैं, इसमें हमें लगता है यही घोषणा करने वाले हैं शायद, कि अगर जो करें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बड़ा ऐलान करेंगे तो हमें लगता है बड़ा ऐलान यही होगा कि भाई इस सत्र में अध्यादेश और कानून बनने वाला है राम मंदिर के लिए, तो हमें लगता है इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी घोषणा कर दे, वो निश्चित रूप से हमें लगता है उससे हिंदू समाज को उतनी प्रसन्नता नहीं होने वाली है जितनी प्रसन्नता रामलला पे भव्य विशाल मंदिर के लिए कानून बन जाए। तिवारी साहब चक्रपाणी जी की बात सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ तिवारी साहब आवाज आ रही है सर? सुन रहा हूँ। चक्रपाणी जी की बात सुनी सर? ये आप दो दिन पहले चक्रपाणी जी अपने ही डिबेट में, मेरे ही डिबेट में गुस्सा थे,
आज फिर सोचिए वो उम्मीद बन गई। आप लोगों को भी आज फिर वो उम्मीद बंधी हुई है कि योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का ऐलान तो नहीं कर रहे कहीं? माधुरी, अयोध्या भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। भगवान राम जब थे तब ये एक दुनिया की राजधानी बन गई थी और उस संस्कृति के प्रेरक हैं हमारे राम। तो आपने जो प्रश्न किया तो मैं ये कहूँगा कि ऊंची मूर्ति बना करके तीर्थाटन बन सकता है, तीर्थ पर्यटन बन सकता है। दुनिया भर के लोग इतनी ऊंची मूर्ति देखने आएंगे, प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन तीर्थाटन तभी बनेगा जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। और भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए संसद में कानून लगा करके, अध्यादेश ला करके यही एक रास्ता बचा है। उसकी घोषणा कैसे की सरकार करेगी, ये सरकार का पक्ष है। ये सरकार को से पूछेंगे तो शायद ये आपको पता चलेगा। ठीक है रोहित चहल सर, सबकी बातें सुन ली सर आपने? जी माधुरी जी, बिल्कुल माधुरी जी, मैंने सबकी बातें सुनी। देखिए कल का गुस्सा, कल की डिबेट में थे ना सर आप मेरी? कल की डिबेट में थे ना? सुनिए, कल की डिबेट में थे आप मेरे? जी माधुरी, कल आपने बात सुनी थी करपात्री महाराज की? बहुत गुस्सा थे। आज सोचिए धैर्य से बात कर रहे हैं। एक दिन में आपने उस अधैर्य को धैर्य में तो बदल दिया सर, उस अविश्वास को विश्वास में तो बदल दिया। लेकिन अभी जो तिवारी जी ने बहुत स्पष्ट किया कि आप पर्यटन स्थल तो बना देंगे इसको एक बड़ी मूर्ति बनाकर, लेकिन तीर्थाटन बनाने से काम नहीं चलेगा ना। राम की जन्मभूमि सर्वोपरि है और वहाँ भव्य मंदिर चाहिए। बिल्कुल माधुरी जी, सभी को मंदिर चाहिए और सभी देश के जो लोग हैं, चाहे पूरा हिंदू समाज हो चाहे साधु संत हो, सभी लोग चाहते हैं चाहे वहाँ भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और हमारा भी यही बात है कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसी स्थान पे बनना चाहिए। आज देखिए जिस तरीके से आप अयोध्या में हैं, अयोध्या मुझे लगता है जब राम जी लंका पे फतेह करके वापस लौटे थे उसके बाद इस तरीके का पहली बार इतना अच्छा आयोजन, जिस तरीके से भव्य वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि मैं इसमें राजनीति नहीं, लेकिन 2015 के अंदर उस समय इसका आयोजन बंद कर दिया गया पैसों का हवाला देकर। जब से योगी जी आए हैं लगातार 2 साल से और ज़्यादा भव्य आयोजन योगी जी कर रहे हैं। योगी जी ने भी कहा जिस तरीके अयोध्या के विकास के लिए जो कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमारा यही है कि जो हमारे धर्म तीर्थ स्थल हैं उनका विकास होना चाहिए। और आज जो पूरा आयोजन किया जा रहा है, 3.5 लाख जो दिए जलाए जा रहे हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राम जी को जो वहाँ पर जो अयोध्या नगरी थी, जो वहाँ पर जनता का विकास होना चाहिए। मैं मानती हूँ आस्थाओं का विकास नहीं कर सकता सर। आस्था तो अंदर से आती है, आस्था तो लोगों के अंदर बसी है। आस्था का विकास नहीं कर सकते आप जी। आप जनता का विकास के लिए कुछ काम करिए। लेकिन इस बीच हमारे से संतोष जी बने हुए सर 26 साल पहले, एक मिनट आ रही हूँ सबका वर्जन लूंगी ना। 26 साल पहले एक जब आंदोलन हुआ तो कार सेवकों का गलियों में रैला था, वो जोश, वो उत्साह, और मुझे लगता है शायद आप भी उसमें रहे, वो जोश वो उत्साह के आज भी बरकरार है, क्योंकि आज भी वही मांग है कि भव्य मंदिर निर्माण। जी देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पूरी तरह से, एक बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पूरी तरह से दूषित है। ये राम मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, ये केवल चुनावी मुद्दा बना करके, हर जैसे चुनाव आएगा 6 महीने बाकी रहेगा ये मंदिर बनाने लग जाएंगे। ये चिल्लाने लगते हैं हमको पकड़िए नहीं, मंदिर बनाए बिना मानेंगे नहीं। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद ये रामलला को भूल जाते हैं। तुलसीदास जी ने इनके लिए एक चौपाई जो लिखी वो लागू होती है इन पर अक्षर से, जानी न जाय निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। इन्होंने कब कब किस तरह से अयोध्या को कहाँ कहाँ यूज किया है इनको मालूम है, करते रहते हैं फिर कर रहे हैं। आप बताइए इस दीपावली से वो जो मृतक कार सेवक है उनके घर वालों से पूछे, इसी अयोध्या में रहते हैं, उनके परिवार वालों से कौन पूछेगा कि दीपावली आप मना रहे हैं कि नहीं? 5-5 शहीद हैं यहाँ, उनके पति मारे गए, जिनके बेटे मारे गए, उनके घर को कोई पूछता नहीं। इस दीपावली को हम क्या कहें, उनसे भी पूछा जाना चाहिए ना, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा उत्साह ठंडा नहीं है, हम मंदिर बनाने के लिए हम लोग जीवन मरण तक जुटे हुए हैं, जीवन की अंतिम सांस तक लगे। आपने भी गोली खाई? जी मैंने भी गोली खाई थी, मुझे पीड़ा है। और आज ये सरकार और सरकार के लोग केवल सरकार बनाने में ही लगे हैं कि फिर हम 19 में नंबर पा जाएं। 19 में नंबर नहीं मिलेगा, इनका अंतिम संस्कार होगा। हम ही लोगों ने कहा था अब की बार
मोदी सरकार और हम ही लोग कह रहे हैं, अयोध्या में कह रहे हैं, अब की बार अंतिम संस्कार, ये राम मंदिर अगर नहीं बनाएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इस दीपावली से खुश नहीं है। ये दीपावली उन गरीब हिंदुओं को उजाड़ करके नहीं मनाई जा सकती। 1000 परिवारों को अयोध्या में उजाड़ दिया गया। विजय शंकर तिवारी जी, सर विश्व हिंदू परिषद का सीधा संबंध है बिल्कुल, इस आंदोलन के साथ। कार सेवक है संतोष दुबे जी, सर बात सुनी आपने उनकी, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार क्या नारा दे रहे हैं? ये गुस्सा है, ये पीड़ा है, इसको कैसे ठीक होगा? बिल्कुल, ये पीड़ा है और ये पीड़ा नजर आनी चाहिए, नजर आती है। और निश्चित तौर पर ये पीड़ा जो अभी स्वामी जी ने रखी है, इस पीड़ा का परिणाम निकलेगा, ये पीड़ा परिणामदायी होगी। इस पीड़ा को बहुत दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस संभावना के साथ हमने बार बार कहा है कि एक रास्ता देखो, हमने तो 1984 में कहा था कि जिस भगवान श्री राम जन्मभूमि के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसका एक मेव रास्ता है कानून, उसका एक मेव रास्ता है संसद, उसका एक मेव रास्ता है जन भावनाओं के साथ खड़े होकर के इस मंदिर का निर्माण, ये हमने बार बार कहा है। तो हम तो आज भी जो 1984 से चले थे, हमारी किसी भी दिशा में, किसी भी बात में, किसी भी संघर्ष में हम विगलित नहीं है। और सबसे बड़ा परिणाम इसका बात का है, 1992 का हिंदू परिषद अपनी किसी बात में अंतर नहीं रखती। 1992 के बाद हमने मंदिर निर्माण के लिए जो काम शुरू किया था, आज भी कर रहे हैं रशीदी साहब। सर ये हाइपोथेटिकल तो नहीं लगने लगा है लोगों को? क्योंकि वो धैर्य संतोष दुबे जी का भी टूट रहा है, वो धैर्य अब करपात्री जी का भी टूट रहा है, आपको तो विश्वास पहले ही नहीं था। नहीं देखिए, आपको याद होगा दिल्ली में 2 दिन का धर्म संसद हुआ, उस दिन जो संतों के स्वर थे वो ये थे कि हमें इससे राम मंदिर के अलावा कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कल और आज में इतना फर्क आ गया कि वो फिर बीजेपी की तारीफ करने लगे कि बीजेपी ही बना सकती है और धैर्य रखना चाहिए और एक बार और कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया, एक मौका और देना चाहिए, और कुछ लोगों ने तो वही कह दिया था कि हाँ बीजेपी को एक मौका और मिलना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर आपका धैर्य टूट रहा है तो आप सरकार बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप कहीं ना कहीं फिर सरकार का पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, या सरकार से कोई फायदा राम मंदिर के अलावा दूसरा कुछ लेना चाहते हैं? अगर संतों को राम मंदिर बनवाना है तो उनकी लाइन तो वही रहनी चाहिए ना जो विश्व हिंदू परिषद की लाइन है, जो विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं कि भाई हमें तो राम मंदिर पर राम मंदिर के अलावा नहीं। क्या लाइन है आप नहीं तय करेंगे ना सर? मैंने तो आपकी लाइन पूछी थी, आपने सबकी लाइन याद करवा दी मुझे। करपात्री महाराज साहब, रशीदी साहब, मौलाना साहब बैठे हैं मेरे पास, वो कह रहे स्टूडियो से कि कल करपात्री जी कुछ अलग बोल रहे थे, आज कुछ अलग बोल रहे हैं। वो बोल रहे संतों की लाइन तो एक रहनी चाहिए ना, आज आप कह रहे सरकार को एक और मौका दीजिए। मैं बिल्कुल अलग नहीं बोल रहा हूँ, मैं कल की तरह बोल रहा हूँ। इस कारण बोल रहा हूँ कि उनसे मैं नहीं पूछना चाहता हूँ कि जिनके घर के लोग शहीद नहीं हुए हैं, शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए, घास की रोटियों का क्या होता है स्वाद ये राणा सुत के जेहन से पूछिए, भाई से भाई में क्या होता है प्यार ये राम के लक्ष्मण से पूछिए, शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए। हम अयोध्या के संत बड़े धैर्य हैं, बड़ी धैर्यता की बात भी करते हैं। राम जी के गुरुदेव ये सागर था, 3 दिन तक राम जी ने गुरुदेव जी को प्रणाम किया और 3 दिन तक प्रणाम करके गुरुदेव बैठे रहे, लेकिन 3 दिन के बाद वही गुरु सागर जब राम का काम नहीं किया, हिंदुस्तान की बेटी के अपहरण करने वाले दशानन को मारने के लिए जो सागर ने जगह नहीं दिया, तो गुरु की उपाधि होने के बाद भी राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये मेरा भले गुरु है, इसका सम्मान मैं करता हूँ, गुरु का सम्मान होना चाहिए, लेकिन गुरु जो राम के काज में बाधक पड़े, गुरु जो देश की बेटी का अपहरण में बाधक डाले, ऐसे गुरु के लिए भी हथियार उठाने का अवस्था है। बिनेन मानत जलध जड़, गयो 3 दिन बीत, बोले राम सको बस बिन भय होई न प्रीत। यही मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ कि बिनेन मानत जलध जड़, गयो 4.5 साल बीत, 4.5 साल बीत गया है, आप बिना भय के नहीं मानेंगे। हम अयोध्या के संत राम के नाम का जाप करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन अयोध्या के ऊपर जब हनुमान जी पहाड़ लेके जा रहे थे तो वही भरत लाल भैया जो 22 जौ खाया करते थे, 22 जौ खाना छोड़ करके और धनुष बाण उठा करके हनुमान
जी को गिरा दिया। इसके मतलब है कि जब देश के ऊपर आपत्ति आ जाए, अयोध्या के ऊपर आपत्ति आ जाए, अयोध्या को विपत्ति आ जाए, तो संतों को भी माला छोड़ करके भाला उठाने की आवश्यकता है। हम लोग भी माला छोड़ करके भाला उठाएंगे। मेरा जोश कम नहीं हुआ है, मेरा उद्देश्य है अयोध्या में राम इसका जवाब दे पाएंगे आप? इसका क्या मतलब सरकार के खिलाफ भाला उठाएंगे आप? इसका परिणाम किसी अन्य समुदाय के खिलाफ भाला उठाएंगे, ये पूछ लीजिए इनसे एक सवाल। अच्छा, मौलाना साहब कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ भाला उठाएंगे, किसी और समुदाय के खिलाफ भाला उठा लेंगे। जाके प्रिन राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरीशन यद्यप परम स्नेही। हमारे राम जन्मभूमि के खिलाफ, हमारे राम के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो अयोध्या के लोग ये जानते हैं कि जौन दंड देऊ खल थोरा और भ्रष्ट हो सुति मार्ग मोरा। ये संतों का वचन भी है, संतों को से दंड देने का विधान है। हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन संविधान का प्रतीक्षा करते करते जिस दिन साधु का धैर्य टूट जाता है, साधु का धैर्य टूट जाएगा, उस दिन साधु के सामने राम कलामा और कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ये अयोध्या के संतों का आक्रोश है, ये दीपोत्सव बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा योगी आदित्यनाथ ये विवेकानंद का स्वरूप है, भगवा पहने हैं, सम्मान है, अयोध्या में एक वशिष्ठ मिला है। मुझे आशा है कि शाम तक अयोध्या के वासियों को ये सम्मान करेंगे, निश्चित तौर से सम्मान करेंगे। अरे हम अयोध्या के वासी, हमारे सिद्ध पीठ जानकी कुंज में एक बार राम जी गिर गए थे तो 6 महीना हम लोग जो है आयुर्वेदिक दवा उनको दे करके ठीक किए थे। ये अयोध्या का सम्मान है। इनके गुरुदेव महाराज अवैधनाथ जी हमारे जानकी कुंज में ही जब मीसा डीआई लगा था तो वहाँ पे रुके हुए थे। हम लोग घर रखते हैं। महाराज आपने न तो मेरी बात का जवाब दिया कि भाई भाला किसके खिलाफ उठाएंगे, ना आपने ये बताया कि आज योगी जी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। एक मिनट, ये गलत बात मत करिए मौलाना साहब। देखिए मौलाना साहब, एक मिनट। नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं मिला आपके सामने। चक्रपाणी जी ने भी सरकार की बात की, करपात्री जी ने भी सरकार की बात की, और अभी संतोष दुबे जी ने भी सरकार की बात की, किसी समुदाय की बात नहीं की। आप फैला रहे हैं ये गलत बात, ये नफरत की राजनीति आप लोग करते हैं। माधुरी ये कहना चाह रहे हैं, राम कुमार दास दोहे पढ़ते रहो, राम कुमार दास मैं उनसे कमेंट ले रही हूँ। नहीं मैं आ रही हूँ मौलाना साहब। सर पहले आप सबको, मैंने आपके आपसे सबसे लास्ट में सवाल पूछा, मैंने तो आपसे ये पूछा कि आपको हाइपोथेटिकल लगती है ये चीजें कि बनेगा कि नहीं बनेगा। रोज एक नया वादा होता है, दीपदान से राम मंदिर मौलाना जी मंदिर तो बनेगा और वही स्थान रहेगा। मौलाना जी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए रोकने की, आप भी कर लीजिए, एक मंदिर बनेगा मौलाना जी उसी स्थान पे बनेगा और बन के रहेगा। 2019 से पहले आप मंदिर बनाओ, आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, 1,00,000 रुपए मंदिर को तैयार। मौलाना जी आपको साथ लेके जाएंगे, दर्शन कराएंगे और मंदिर पूरा होगा दीपदान के जरिए। देखिए दीपदान तो भगवान के 14 वर्ष वनवास पूरा करने के बाद वन यात्रा हुआ था और ये पूरे विश्व का पर्व है। राम मंदिर का सवाल है, निश्चित रूप से हम लोगों को पूरा भरोसा है, गवर्नमेंट ही बनवाएगी और भाजपा ही उसके बात करती है, और पार्टियों के लिए तो ये विष की तरह है, अफीम की तरह है धर्म कर्म, इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है अयोध्या वासियों को, भाजपा के ही कार्यकाल में राम मंदिर बनेगा।